के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 6 के पास जो डीपीपी प्रोवाइड करी गई है उसके सॉल्यूशंस को। मुझे पता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसे नहीं करके देखा है। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को देखें एंड सॉल्यूशंस को साथ साथ कर लें। जिन बच्चों से बिना वीडियो देखे सॉल्यूशंस हो रही हैं तो काफी अच्छी बात है, वो भी इस वीडियो को देखकर अपने सॉल्यूशंस को चेक कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू आरजे एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 तो लेक्चर नंबर 6 के बाद जो डीपीपी प्रोवाइड करी गई है उसके सॉल्यूशंस को। अगर अभी तक आपने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पहले इन लेक्चर्स को देख कर आएं। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है। बिना टाइम वेस्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए प्लस ए ड्रैगर इज हर्मिशियन एंड आयोटा ए प्लस ए ड्रैगर इज हर्मिशियन। हमें पता है कि कोई भी ऑपरेटर हर्मिशियन है या नहीं है उसे चेक करने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं, ड्रैगर मेथड का यूज करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ड्रैगर मेथड अगर हम किसी भी ऑपरेटर के ऊपर ड्रैगर लगाते हैं, ड्रैगर लगाने के बाद सेम वही रिजल्ट हमें मिलता है यानी कि वही का वही ऑपरेटर हमें मिलता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा किस तरीके का ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। अगर उसके बाहर आपको नेगेटिव साइन मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी हर्मिशियन हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं कि क्या ए प्लस ए ड्रैगर हर्मिशियन है या नहीं है। देखो, जब आप ए प्लस ए ड्रैगर के ऊपर ड्रैगर लगाते हो तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ए प्लस बी ड्रैगर की। देखो, ए प्लस बी के ऊपर ड्रैगर लगाओगे तो इसे कैसे सोल्व करोगे, ए ड्रैगर प्लस बी ड्रैगर। सिमिलरली यहाँ पर ए को ए रहने दो एंड ए ड्रैगर को आप बी लेट करके चलो तो यहाँ पर आया आपका ए ड्रैगर प्लस ए ड्रैगर का ड्रैगर। देखो, ए के ऊपर ड्रैगर लगाने के बाद आपको ए ड्रैगर मिलेगा एंड ए ड्रैगर का ड्रैगर क्या होता है, ए होता है। अब हमें पता है कि जो हमारा एडिशन है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है तो यहाँ से आप ए ड्रैगर प्लस ए को कैसे लिख सकते हो, ए प्लस ए ड्रैगर। आप लेके क्या चले थे, ए प्लस ए ड्रैगर एंड ड्रैगर लगाने के बाद आपको मिल क्या रहा है, रिजल्ट ए प्लस ए ड्रैगर। तो ये हमारा क्या हो गया, हर्मिशियन हो गया। तो ये तो हमारी ट्रू हो गई। चलो नेक्स्ट हम चेक करते हैं, जब हम आयोटा ए प्लस ए ड्रैगर के ऊपर ड्रैगर लगाएंगे तो क्या ये हर्मिशियन है या नहीं है। चलो, आपको पता है कि अगर आपका कोई भी कांस्टेंट है उसके साथ में अगर आपका कोई ऑपरेटर है, अगर आप उस पर ड्रैगर लगाओगे तो कांस्टेंट का क्या लोगे, कंजुगेट लोगे एंड ऑपरेटर के ऊपर आप ड्रैगर लगाओगे। सिमिलरली यहाँ पर भी आयोटा आपका क्या है, कांस्टेंट है तो इसका आप कंजुगेट ले लेंगे एंड ए प्लस ए ड्रैगर के ऊपर ड्रैगर लगाओगे। इसको तो आपने अभी सोल्व किया है तो ये तो आप डायरेक्ट लिख दो एंड आयोटा का कंजुगेट क्या होता है, माइनस आयोटा। तो आपको ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला, माइनस आयोटा ए प्लस ए ड्रैगर। लेकिन आपका जो स्टार्टिंग में आप लेकर चले थे वहां तो कहीं भी नेगेटिव नहीं था तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, एंटी हर्मिशियन है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहीं से रॉन्ग प्रूव हो गई क्योंकि ए प्लस ए ड्रैगर तो हर्मिशियन है लेकिन आयोटा ए प्लस ए ड्रैगर क्या है, एंटी हर्मिशियन है। तो यहां से अगर आप देखो ऑप्शंस को देखो तो ऑप्शंस देखते ही आप डायरेक्ट बता सकते हो, फर्स्ट आपका रॉन्ग हो गया, बी भी आपका नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी आपका करेक्ट होगा। लेकिन फिर भी हम बाकी दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। अब देखो, सेकंड स्टेटमेंट है आपकी kx px एंड kx plus px is हर्मिशियन ऑपरेटर। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई भी दो ऑपरेटर हर्मिशियन है तो उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है, हर्मिशियन होता है। अब देखो, kx भी हर्मिशियन है, px भी हर्मिशियन है तो इन दोनों का एडिशन भी क्या होगा, हर्मिशियन होगा। यहां से ये तो आपका ट्रू प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट आपको अगर चेक करना है kx px तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होगा, इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी लगेगी अगर दो ऑपरेटर हर्मिशियन है तो उनका प्रोडक्ट तभी हर्मिशियन होगा अगर वो दोनों क्या करते हैं, कॉम्यूट करते हैं। तो यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या kx px एक दूसरे के साथ कॉम्यूट करते हैं या नहीं करते। तो चलो चेक करते हैं, kx को आप कैसे लिख सकते हो, px square by 2m एंड px। अब देखो, 1 by 2m कांस्टेंट है, आप इसे बाहर ले लो तो अंदर क्या बचा, px square एंड px। कोई भी ऑपरेटर खुद की पावर के साथ या फिर खुद के साथ क्या करता है, कॉम्यूट करता है। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हम बोल सकते हैं kx px क्या करते हैं, कॉम्यूट करते हैं। तो यानी कि हमारा kx px भी हर्मिशियन हुआ एंड kx plus px भी हर्मिशियन हुआ। तो यानी ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब नेक्स्ट हम थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है, e raised to the power ax plus b is an eigen function for an operator d by dx
तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, जब आप डी बाई डी एक्स को ऑपरेट करवाते हो ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी के ऊपर, अगर आपको सेम यही फंक्शन मिलता है, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, तब तो ये आपका कौन सा फंक्शन होगा, आइगन फंक्शन होगा। चलो चेक करते हैं क्या ये सेम यही रहता है या फिर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। अब आप चेक करो तो देखो, जब आप डी बाई डी एक्स को ऑपरेट करवाते हो ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी के ऊपर, तो ई रेज टू द पावर ए एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, a इंटू में e रेस टू दी पावर ए एक्स। अब देखो यहाँ x के साथ कॉन्स्टेंट a है, तो a आप बाहर ले लोगे एंड e रेस टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वैसे का वैसे आ गया, तो यही फंक्शन हमारा स्टार्टिंग में था एंड एंड में भी यही है, तो फंक्शन ने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया, a यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आइगन वैल्यू हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा आइगन फंक्शन है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया, जिसमें स्टेटमेंट टू एंड थर्ड जो थी आपकी वो ट्रू हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, if psi1 and psi2 are eigen function of operator A with distinct eigen value, then c1 psi1 plus c2 psi2 is not an eigen function of operator A। तो यानी आपको ये क्या कह रहा है, A आपका कोई operator है एंड psi1 psi2 कोई भी eigen function है, दोनों की values क्या है, different दे रखी है। आपको क्या करना है, operator A को इस function के ऊपर operate करवाना है, अगर ऑपरेट करवाने के बाद यही फंक्शन आ गया तो ये आइगन फंक्शन होगा, अगर नहीं आता तो ये आइगन फंक्शन नहीं होगा। तो चलो चेक करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमारा ऑपरेटर ए को जब हम साई वन फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं तो वैल्यू आ रही है ए साई वन एंड ए साई टू इज इक्वल्स टू बी साई टू। यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज क्यों ली है, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो साई वन एंड साई टू है ये हमारे क्या है, डिफरेंट फंक्शन है। अब ऑपरेटर ए को सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू के ऊपर ऑपरेट करवाओ, एक बार ए को आप इसके साथ लेके चलो, एक बार ए को सी टू साई टू के साथ। अब ए सी वन साई वन प्लस ए सी टू साई टू आया, अब देखो सी वन कॉन्स्टेंट है, इसको आप बाहर ले सकते हैं, सी वन ए साई वन बना एंड यहाँ से सी टू बाहर आया तो सी टू ए साई टू। अब ए साई वन की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, स्मॉल ए साई वन, तो हम इसे यहाँ पुट कर देंगे। ए साई टू की वैल्यू हमने क्या ली थी, बी साई टू, तो इसे हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमें ऑपरेट करने के बाद ओवरऑल रिजल्ट लास्ट में क्या मिल रहा है, सी वन ए साई वन प्लस सी टू बी साई टू। अब देखो ये फंक्शन आइगन तभी होगा अगर हम बोल दें कि ए और बी की वैल्यू इक्वल है, क्योंकि अगर ए बी के इक्वल है तो आपको क्या मिलेगा, सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू। बट स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है कि ए से बी के इक्वल है, तो हम खुद से ये सपोज नहीं कर सकते, तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि नॉट एन आइगन फंक्शन दे रखा था, तो बिल्कुल ऑपरेट करने के बाद ये हमें आइगन फंक्शन नहीं मिल रहा, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्या थी, एक बार थर्ड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपकी थी कि अगर सेकंड स्टेटमेंट है आपकी, x को अगर आप कम्यूटेटर x एंड h के ऊपर ऑपरेट करवाओगे तो आपका जो रिजल्ट आता है माइनस एस स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर रहेगा। चलो चेक करते हैं क्या ये आ रहा है या फिर क्या नहीं आता। देखो पहले हम क्या करते हैं, इसका रिजल्ट निकाल के देखते, जब हम x एंड h के खोल के देखेंगे तो देखो क्या आएगा, x एंड h को आप क्या लिख सकते हो, एच एक्स प्लस एच वाई एच जेड। अब एक बार x को आपको क्या करना है, एच एक्स के साथ लिखना है, एक बार एच वाई के साथ, एक बार एच जेड के साथ। अब देखो अच्छे से पता है हमें कि पोजीशन के साथ अगर डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो यहाँ से x एंड एच वाई ये तो डायरेक्ट जीरो हुआ, ये भी जीरो हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है, अब हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो हमें पता है कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी आप लगाओ। देखो एच एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय टू एम एंड कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। एच के माइनस एच कट स्क्वायर बाय टू एम कॉन्स्टेंट है तो आप इसे बाहर ले लें एंड एक्स आपका कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। इसको आप कैसे चेक करोगे, यहाँ पर अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट तो आप नहीं लिख सकते, ये एन टाइम्स ऑपरेट होगा। तो एक बार आप इसको कैसे लिखोगे, पहले डी बाय डी एक्स इंटू डी बाय डी एक्स, एक बार एक्स को आपको क्या करना है, डी बाय डी एक्स के साथ लेकर चलना है एंड बाहर आप ले लोगे राइट साइड पर इस डी बाय डी एक्स को, एक बार इस एक्स को आप इस डी बाय डी एक्स के साथ लेकर चलोगे एंड ये वाला डी बाय डी एक्स जो है आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। देखो यहाँ पर यही किया गया है, x को एक बार लिया आपने d by dx के साथ, ये d by dx आपका आया राइट साइड में एंड प्लस में ये by dx आपका लेफ्ट साइड में एंड x एंड d by dx। अब हमें पता है कि अगर हमारा जो x एंड d by dx है इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, माइनस वन होता है, तो यहाँ से वैल्यू आपकी आई माइनस वन। माइनस वन इंटू में d by dx करोगे तो आपको क्या मिलता है, माइनस ऑफ d by dx। सिमिलरली यहाँ से भी माइनस वन वैल्यू मिली एंड हमें पता है कि कोई भी कॉन्स्टेंट है उसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, जीरो वैल्यू मिलती है। तो यहाँ से तो ये आपका जीरो हो गया, तो आपकी ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस एच कट स्क्वायर बाय टू एम एंड इंटू में माइनस डी बाय डी एक्स, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ओवरऑल वैल्यू मिली माइनस एच कट स्क्वायर बाय टू एम इंटू डी बाय डी एक्स। अब इस वैल्यू को उठाकर आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। अब इसको पुट करने के बाद चलो ऑपरेट करवाओ। देखो जब आप इसे x एंड माइनस h
एचकट स्क्वायर बाय 2m into d by dx लिखते हो तो एचकट स्क्वायर बाय 2m तो आपका क्या है कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लो, अंदर क्या बचा x एंड dx, एंड x into d by dx का आपको पता है ओवरऑल डायरेक्ट कम्यूटेटर, इसका कम्यूट करने का रिजल्ट क्या होता है -1 होता है, तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आई -hcut स्क्वायर बाय 2m। अब hcut की वैल्यू क्या होती है h अपॉन में 2π, तो माइनस आपकी एच कट स्क्वायर बाय 2m को आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस एच स्क्वायर एंड 2π स्क्वायर इनटू में 2m लिखो तो ओवरऑल वैल्यू आएगी माइनस एच स्क्वायर बाय 8π स्क्वायर m, लेकिन आपको स्टेटमेंट के अंदर मेंशन था माइनस एच स्क्वायर बाय 4π स्क्वायर m, ये तो हमारा गलत आ रहा है तो यहां से ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई रॉन्ग प्रूव हो गई। अब हम एक बार थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या थी, थर्ड स्टेटमेंट थी ऑपरेटर lx ly plus ly lx इज हर्मिशियन ऑपरेटर। अब आपको अच्छे से पता है कि ये lx ly plus ly lx को आप कैसे लिख सकते हो lx ly एंड बाहर आप लगाओगे प्लस, जैसे ही आपने बाहर प्लस लगाया तो ये क्या बन गए एंटी कम्यूटेटर, एंटी कम्यूटेटर को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसको आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। अब जैसे ही आप इसे इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या बताना है, एक प्रॉपर्टी का यूज करना है। अब देखो lx भी हर्मिशियन होता है, बिल्कुल होता है, एंड ly भी हर्मिशियन होता है, तो हमें यहाँ पर एक डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, इसे सही कर लेना। एंटी कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज हर्मिशियन। अब देखो lx भी हर्मिशियन है एंड ly भी हर्मिशियन है, तो यानी कि इनका जो एंटी कम्यूटेटर का रिजल्ट आएगा ये हमारा क्या होगा हर्मिशियन होगा, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब देखो ये क्वेश्चंस उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ में आएंगे जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 to लेक्चर नंबर 6 को अच्छे से देखा है एंड प्रॉपर्टीज अच्छे से समझी है, इसलिए मैं दोबारा कहूंगी अगर आपने इन लेक्चर्स को नहीं देखा तो प्लीज जाकर पहले इन लेक्चर्स को देख कर आए एंड देन आप इस वीडियो को देखिएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड है इफ एन ऑपरेटर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज ऑपरेटेड ऑन एन फंक्शन ई रेज टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। तो आपको ये ऑपरेटर दिया गया है, इस ऑपरेटर को आपको क्या करना है इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवाना है एंड ऑपरेट करवाने के बाद अगर आपको सेम यही फंक्शन मिलता है तो ये आइगन फंक्शन होगा। अब यहाँ पर देखो मेंशन ही है तो इसका मतलब आएगा तो यही सेम फंक्शन बट साथ में वैल्यू भी आएगी, तो उस आइगन वैल्यू की आपको यहाँ पर बताना है कि उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी जब आप इसे ऑपरेट करवाते हो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर एक बार ई रेस टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर के साथ एंड माइनस 16x स्क्वायर इनटू ई रेस टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो पहले इसे हम सोल्व करके देखते हैं, इसे सोल्व करोगे तो आप डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर को किस तरीके से लिखोगे डी बाय डी एक्स इनटू डी बाय डी एक्स, यहाँ पर आप अपना फंक्शन ई रेस टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो ई रेस टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 2 बाहर आ जाएगा, d by dx आपको लिखना पड़ेगा x square एंड साथ में e raise to the power minus 2x square वैसे का वैसे रहेगा, तो जब आप इस x square का differentiation करोगे तो ये आपका आएगा 2x, तो यहाँ से overall आपकी value क्या आई minus 4x e raise to the power minus 2x square। अगेन जब आप इसको differentiate करवाओगे तो यहाँ पर आपको कौन सा rule लगाना है, आपको यहाँ पर uv rule लगाना है, uv rule के according क्या होता है d by dx अगर आप uv का लेकर चलते हो तो फर्स्ट फंक्शन आप एज इट इज लिखोगे एंड आप डिफरेंशिएशन करोगे सेकंड फंक्शन का, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड आप डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट फंक्शन का। सिमिलरली यहाँ पर ही माइनस 4 देखो कॉन्स्टेंट है, आप इसे बाहर ले लो एंड x आपका फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे सेकंड फंक्शन का e रेस टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर का, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का एंड इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने किया, हमें पता है वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 4x e रेस टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर एंड डी एक्स बाई डी एक्स अगर आप करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। अब यहाँ पर भी e रेस टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर है, यहाँ पर भी e रेस टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से इसको कॉमन ले लो। अब जैसे ही आपने कॉमन बाहर लिया माइनस 4 आपका बाहर था, e रेस टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो अंदर आपका क्या बचा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। अब ये आपकी आई है ओवरऑल वैल्यू। अब इस वैल्यू को उठाकर आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आपने यहाँ पर रखना है एंड यहाँ पर अगेन आपको रिजल्ट लगाना है। जैसे ही आप यहाँ लगाते हो तो आपका क्या बना माइनस 4 e रेस टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 16x स्क्वायर e रेस टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो e रेस टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा, यहाँ से बाहर ले
ले लो एंड माइनस फोर भी आप बाहर ले लो. जैसे ही माइनस फोर बाहर लोगे तो अंदर क्या बचा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन. एंड यहाँ से माइनस फोर गया बाहर तो आपका यहाँ क्या बन गया, प्लस फोर एक्स स्क्वायर. ये माइनस फोर एक्स स्क्वायर ये आपका कैंसिल आउट हो गया तो आपकी ओवरऑल वैल्यू क्या आई, माइनस फोर ई रेस टू द पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर. ये तो आपका आइगन फंक्शन था तो माइनस फोर आपकी क्या हो गई, आइगन वैल्यू हो गई. तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, जिसके अंदर माइनस फोर आपका मेंशन था. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द ऑपरेटर माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑपरेट ऑन द फंक्शन ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स देन द रिजल्ट इज. अगेन आपको इसे ऑपरेट करवाना है और रिजल्ट बताना है कि आपको क्या मिलेगा. अब देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर को वैसे नहीं लिख सकते, पहले हम इसे लिखेंगे डी बाय डी एक्स इंटू डी बाय डी एक्स. देन अब अपना फंक्शन लिखेंगे. जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के साथ क्या है, माइनस आयोटा के है, तो माइनस आयोटा के आपका आगे आ जाएगा एंड ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स वैसे का वैसे ही रहेगा. माइनस एच कट स्क्वायर आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसे बाहर रखो. माइनस आयोटा के ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो एंड डी बाई डी एक्स आप किसका करोगे, ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा के का. अगेन इसका अभी तो आपने डिफरेंशिएशन किया, दोबारा सेम करना है. यहाँ पर एक्स के साथ क्या है, माइनस आयोटा के है, तो माइनस आयोटा के आ जाएगा एंड ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स. अब देखो इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो गया है ना, तो आपका बना आयोटा एच कट स्क्वायर के इंटू में माइनस आयोटा के. तो ओवरऑल आपको क्या मिला, माइनस आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर के स्क्वायर e raise to the power minus iota के x. एंड आपको पता है कि iota square की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है. तो यहाँ से आप बोल सकते हो माइनस iota square की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस वन हो जाएगी. तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आया, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर e raise to the power minus iota के x. अब देखो चेक करो क्वेश्चन में आपका है या बिल्कुल है. देखो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, तो आप ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलो नेक्स्ट देखते हैं. ये क्वेश्चन बहुत इजी है. देखो डायरेक्ट रिजल्ट से इस क्वेश्चन को सोल्व करा हुआ है. अब आपको ये पता होना चाहिए कि x आपको देखो क्या बताना है इसके अंदर. अगर आप कॉमिटेटर x एंड px की वैल्यू है, ये तो जनरल रूल से आप डायरेक्ट बता सकते हो. देखो अगर x n है एंड px है तो इसका जनरल रूल क्या बताता है, क्या इसकी वैल्यू होती है, आयोटा h कट एंड x n माइनस वन. अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव हम कैसे डिसाइड करते हैं, अगर हमारा पोजिशन आगे होता है पोजिशन ऑपरेटर तो हमारा प्लस रहता है एंड बाद में होता है तो माइनस रहता है. देखो यहाँ पहले है तो प्लस ही रहेगा. n की वैल्यू आप पुट कर दो, n की वैल्यू यहाँ पर लेट कर लो 1 है तो 1 होगी. तो आयोटा एच कट तो वैसे का वैसे लिखोगे एंड x 1 माइनस 1 आपका क्या आया, 0 आ गया. तो x x रेस टू दी 0 क्या होता है, 1 होता है. यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आई, आयोटा एच कट आई. लेकिन आपके कहीं भी ऑप्शन के अंदर तो नहीं है. अब आप बोलोगे यहाँ तो माइनस आयोटा एच कट है, तो हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा. बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा. इस आयोटा एच कट को आपने क्या करना है, आयोटा से मल्टीप्लाई करना है एंड आयोटा से डिवाइड कर देना है. तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, आयोटा स्क्वायर एच कट डिवाइडेड बाय आयोटा. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1. तो माइनस एच कट बाय आयोटा ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, करेक्ट. चलो नेक्स्ट देखते हैं. सिक्स क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेटर ए. ऑपरेटर ए के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी गई है. मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर ए एंड इट्स हर्मिशियन एट जॉइंट इज ऑलवेज हर्मिशियन. स्टेटमेंट क्या बोल रही है, आपका ऑपरेटर ए है एंड आपका हर्मिशियन इसका एट जॉइंट ले लो ए. इसके ऊपर अगर आप ड्रैगर लगाते हो तो ये आपका हर्मिशियन है, यानी कि आपको ए ए ड्रैगर ही मिलता है. तो बताना है कि क्या ये ट्रू है या नहीं. चलो पहले यही चेक करते हैं. तो हमने क्या करना है, सिंपल से हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ए बी के ऊपर अगर हम ड्रैगर लगाएंगे तो कैसे खोलते हैं, इसे बी ड्रैगर ए ड्रैगर, इसे लेट कर लो ए, इसे लेट कर लो बी. अब तो आप ए ड्रैगर को आपने बी माना है तो ए ड्रैगर का ड्रैगर एंड ए ड्रैगर वैसे ही आ जाएगा. ए ड्रैगर का ड्रैगर क्या होता है, ए होता है एंड ए ड्रैगर ए ड्रैगर. अब ओवरऑल आप लेकर क्या चले थे, ए ए ड्रैगर एंड आपको ड्रैगर लगाने के बाद रिजल्ट क्या मिल रहा है, ए ए ड्रैगर. तो ये आपका क्या हो गया, परमिशन हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर ए एंड इट्स हर्मिशन एट जॉइंट इज नॉट एन हर्मिशन. लेकिन अभी हमने ऊपर तो प्रूफ कर दिया कि ये हर्मिशन है, तो सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारी यहीं से फॉल्स हो गई. अब हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. थर्ड स्टेटमेंट बोलती है ए ए ड्रैगर प्लस ए ड्रैगर ए इज हर्मिशन बट ए ए ड्रैगर माइनस ए ड्रैगर ए इज एंटी हर्मिशन. चलो अब ये चेक करते हैं क्या ये हमारी ट्रू है या नहीं. तो हम पहले ए ए ड्रैगर प्लस ए ड्रैगर ए के ऊपर ड्रैगर लगाते हैं. अब देखो यहाँ पर इसको सोल्व करोगे, ए ए ड्रैगर का ड्रैगर प्लस ए ड्रैगर ए का ड्रैगर. यहाँ पर ए ड्रैगर बाद में है तो इसे बाहर लिख दोगे, पहले ए ड्रैगर का ड्रैगर एंड ए ड्रैगर. यहाँ पर ए आपका बाद में है तो पहले इसे लिखोगे ए ड्रैगर एंड ए ड्रैगर का ड्रैगर. ए ड्रैगर का ड्रैगर क्या होता है, ए होता है. तो ये आपका ए आया ए ड्रैगर ए ड्रैगर. तो ये आपका क्या बन गया, ए ए ड्रैगर.
सिमिलरली यहाँ पर भी ए ड्रैगन का ए ड्रैगन रहा एंड ए ड्रैगन का ड्रैगन ए, तो आपको ओवरऑल आंसर क्या मिला, ए ए ड्रैगन प्लस ए ड्रैगन ए। स्टार्ट भी इसी से किया था, एंड भी इसी पे कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, हर्मिशियन हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, अगर आप ए ए ड्रैगन माइनस ए ड्रैगन ए पर ड्रैगन लगाते हो तो सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलता है। अब देखो ए ए ड्रैगन प्लस अगर आप ड्रैगन लगाते हो, अभी आपने ऊपर सोल्व किया, अगेन आप ट्राई कर लो, देखो ए ड्रैगन का अगेन ड्रैगन करोगे तो ए आएगा, ए के ऊपर ड्रैगन लगाओगे तो वापस आपको ए ड्रैगन मिलेगा, माइनस ए ड्रैगन ए पे ड्रैगन लगाओगे तो ए आपका बाद में है तो इस पे ड्रैगन, एंड ए ड्रैगन आपका पहले है जब इस पे ड्रैगन लगाओगे तो वापस ए मिलेगा, ए ए ड्रैगन माइनस ए ड्रैगन ए। आपने स्टार्ट भी इसी से किया था, आप एंड भी इस पे करो, ये तो आपका हर्मिशियन आ गया, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर क्या मेंशन था, ये एंटी हर्मिशियन है, तो यहाँ से हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गई, रोंग प्रूव हो गई, ये तो हमारी रोंग आ गई। तो हमारे ऑप्शंस में देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सेकंड बिल्कुल बी है, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड सेकंड तो हमारी है ही नहीं ना, तो डी भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेवेंथ है। आपको ए की वैल्यू दी हुई है माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, ये कोई ऑपरेटर दे रखा है आपको, तो बताना है ए हर्मिशियन है, ए एंटी हर्मिशियन है, ए ए ड्रैगन हर्मिशियन है, या फिर ए ए ड्रैगन एंटी हर्मिशियन है। चलो हम फर्स्ट चेक करते हैं, जब माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स पर हम ड्रैगन लगाएंगे तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स का ड्रैगन प्लस एक्स का ड्रैगन। अब डी बाई डी एक्स का ड्रैगन क्या होता है, माइनस डी बाई डी एक्स, अब लिखोगे तो इसे क्या आएगा, माइनस डी बाई डी एक्स आएगा ना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो बन गया डी बाई डी एक्स, एक्स ड्रैगन का क्या होता है, एक्स होता है, तो आपकी ओवरऑल वैल्यू क्या मिली, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। लेकिन ये तो हमारा हर्मिशियन नहीं है, क्योंकि हमारा मेंशन था माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, लेकिन हमारे को तो यहाँ कहीं भी माइनस नहीं मिल रहा, तो ये तो हमारा रोंग हो गया, बी अपने आप ही हमारा रोंग प्रूव हो गया, क्योंकि एंटी हर्मिशियन भी नहीं आ रहा। अब सी चेक करते हैं, सी के लिए हमने क्या करना है, अब देखो माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स एंड माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स के ऊपर आप ड्रैगन लगाओगे, ये आपकी प्रॉपर्टी यूज करी है आपने, ए ड्रैगन ए ए ड्रैगन के ऊपर आपने क्या लगाना है, ड्रैगन। तो आप इसे कैसे सोल्व करते थे, ए ड्रैगन का ड्रैगन एंड देन आपका ए का ड्रैगन, ए ड्रैगन का ड्रैगन क्या होता है, ए एंड ए ड्रैगन का ए ड्रैगन आ जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी यही करना है, देखो ये माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स ड्रैगन के ऊपर आप क्या लगाओगे, ड्रैगन लगाओगे। आप जैसे ही ड्रैगन का ड्रैगन है तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, यही वैल्यू मिल जाएगी, तो हमने डायरेक्ट इसको यही लिख दिया। अब इस माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स के ऊपर हमने क्या लगाया, ड्रैगन, तो वापस हमें यही मिल गया। देखो हमने स्टार्ट भी यहाँ से किया था, एंड में भी हमारा ये आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, हर्मिशियन हो गया। यहीं से हमारी डी स्टेटमेंट रोंग प्रूव हो गई, क्योंकि हमने इसे ए ए ड्रैगन को तो हर्मिशियन हमने प्रूव कर दिया, तो एंटी हर्मिशियन के तो कोई चांसेस ही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एल वाई, इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू आप कैसे बता सकते हो, देखो एल वाई की अगर आपको वैल्यू बतानी है तो आपको साइक्लिक रूल पता होना चाहिए, साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग आप कैसे चलते हैं, एक्स वाई एंड जेड। अब एल वाई आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम आपको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आपका यहाँ पर क्या होता है, मोमेंटम इंटू में आपका कोई पोजीशन वेक्टर। अब इसे आप किस तरीके से लिखोगे, इसे लिखने का रूल क्या है, देखो वाई है, वाई के बाद क्या आ रहा है, जेड है, तो जेड आपका यहाँ पर हो जाएगा पोजीशन, एंड इंटू में आप लिखोगे यहाँ पर पी एक्स लिखोगे। अब नेक्स्ट में आपने माइनस साइन लगाना है एंड उल्टा कर देना, उल्टा आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख दोगे आप यहाँ पर एक्स, एंड ये हो जाएगा आपका पी जेड हो जाएगा। अब देखो पी एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स एंड माइनस एक्स, यहाँ पर आप अगेन पी जेड की वैल्यू लिखो, माइनस आयोटा एच कट कर्ल बाय कर्ल जेड, माइनस आयोटा एच कट दोनों में कॉमन है, तो दोनों से आप बाहर ले लोगे तो अंदर आपका क्या बचा, z curl by curl x minus x curl by curl z। अब इस h cut को आपको कैसे लिखना है, h by 2 pi लिखना है, minus iota h by 2 pi। अगेन आपको फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करो iota से डिवाइड करोगे, जब आप iota से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस आयोटा स्क्वेयर एच बाय टू पाई आयोटा, एंड माइनस आयोटा स्क्वेयर आपका क्या होता है, ये डायरेक्ट आपका वन देगा वैल्यू, तो आपकी ओवरऑल वैल्यू आई एच बाय टू पाई आयोटा z इंटू में कर्ल बाय कर्ल x माइनस एक्स कर्ल बाय कर्ल z। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर आप इसे सही कर लेना, ये 2 नहीं है z है, एंड यहाँ पर आपका z आएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन है, s प्लस माइनस इज इक्वल टू एस एक्स, यहाँ आई कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस आयोटा एस वाई, वेयर एस एक्स एंड एस वाई आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो आपको वैल्यू बतानी है एस जेड और एस माइनस की, बहुत बहुत इजी है, कैसे लिखोगे आप इसे, देखो एस एक्स है
एस नेगेटिव को आप कैसे लिखोगे, एस एक्स माइनस आयोटा एस वाई, एक बार आपको क्या करना है इसे इसके साथ लेकर चलना है, एस जेड को एक बार आप इसके साथ लेकर चलोगे, एस जेड एस एक्स आया माइनस आयोटा बाहर ले लो, अंदर क्या बचा एस जेड एस वाई। अब देखो अगेन आपको क्या करना है, साइक्लिक रूल लगाओगे। साइक्लिक रूल आपका क्या कहता है, देखो एस जेड और एस एक्स है, यहाँ पर आपका z है x है, x के बाद क्या आ रहा है आपका y आ रहा है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू आप कैसे निकालते थे, आयोटा एच कट तो होता ही था, तो बाहर आपका z है x के बाद आएगा y, तो आपका एस वाई आएगा। अब इस आयोटा एच कट से पहले नेगेटिव साइन लगेगा फिर या पॉजिटिव साइन लगेगा, वो हम किसके थ्रू डिसाइड करते हैं, वो साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। अगर ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है तो प्लस का साइन आएगा, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो फिर माइनस का साइन आएगा। अब देखो यहाँ पर आपका z है, z के बाद x है, तो x के बाद y आता है, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो तो यहाँ पर आपका प्लस रहेगा। नेक्स्ट में देखो z है, z के बाद y है, तो ये आपका क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ आपका माइनस आ जाएगा। अब इस माइनस आयोटा को माइनस आयोटा एच कट से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन गया आयोटा स्क्वायर एच कट एस एक्स। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, माइनस वन होती है, एच कट आपका दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचा आयोटा एस वाई माइनस एस एक्स। अब यहाँ से ओवरऑल आपने क्या करना है, माइनस बाहर ले लो, जैसे आप माइनस बाहर लोगे और इस एच कट को अगर आप एच बाई टू पाई लिखते हो तो अंदर क्या बचा एस एक्स माइनस आयोटा एस वाई, तो ये आपकी किसकी वैल्यू थी, एस नेगेटिव की वैल्यू थी, तो आप ओवरऑल इसको कैसे लिख सकते हो माइनस एच बाई टू पाई एस नेगेटिव, तो ऑप्शन बी इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट, तो आपका डी आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कम्यूट, यानी आपको ऑपरेटर दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से ऑपरेटर कम्यूट करते हैं एंड कौन से ऑपरेटर कम्यूट नहीं करते। फर्स्ट हम चेक करते हैं, देखो एक्स एंड डी बाई डी एक्स है, ये तो डायरेक्टली आपके कम्यूट नहीं करेंगे क्योंकि इसका डायरेक्ट हमने रिजल्ट याद कर रखा है, एक्स एंड डी बाई डी एक्स का रिजल्ट क्या होता है माइनस वन होता है, अब ये जीरो के इक्वल तो आ ही नहीं रहा तो डायरेक्टली आपका कम्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स को आपको किसके साथ ऑपरेट करवाओगे, जब आप डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एंड टू डी बाई डी एक्स के साथ करवाते हो तो एक बार आपको इसको इसके साथ लिखना है एक बार इसके साथ। देखो डी बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो कोई भी ऑपरेटर खुद की पावर के साथ या फिर खुद के साथ क्या करता है कम्यूट करता है, तो यहाँ से तो ये रिजल्ट दे रहा है जीरो। अब टू आपका क्या है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को आप बाहर ले लो तो अंदर क्या बचा डी बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स, तो ये खुद के साथ भी क्या करता है कम्यूट करता है, तो यहाँ से इसका भी रिजल्ट जीरो आया, तो आप बोल सकते हो ओवरऑल आपका ये क्या करता है कम्यूट करता है। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या है स्टेटमेंट सी आपकी है एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, एक देखो ये एक्स स्क्वायर को एक बार आपको डी स्क्वायर बाय डी एक्स के साथ लिखोगे, ये एक्स स्क्वायर आपका क्या है लेफ्ट साइड में है तो ये लेफ्ट साइड में रहेगा, तो डी बाय डी एक्स एंड डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, एक बार डी बाय डी एक्स को क्या करना है आपको राइट साइड में लिखना है एंड इस एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर बाय डी एक्स के साथ लिखना है। अब जैसे ही लिखते हो तो ये डी बाय डी एक्स आपका बाहर आ जाएगा, हमने अभी पढ़ा कि कोई भी ऑपरेटर खुद की पावर के साथ या फिर खुद के साथ कम्यूट करता है, तो यहाँ से तो रिजल्ट जीरो आ गया, इसे आप सोल्व करके देखना इसका रिजल्ट जीरो नहीं आएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कम्यूट नहीं करता, ओवरऑल कम्यूट नहीं करेगा। नेक्स्ट डी ऑप्शन जो है आपका उसके अंदर आपका एक्स क्यूब एंड डी बाई डी एक्स है, तो जनरल एक्सप्रेशन से ही हमने इसका रिजल्ट याद कर रखा है, तो हम देखो क्या करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे एंड यहाँ पर एन की पावर थ्री है तो जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट होता है वही देता है, तो ये क्या लिखोगे आप इसको एक्स स्क्वायर, तो ये आपका कम्यूट नहीं करते, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, कम्यूट पूछा था ना, सिर्फ ऑप्शन बी आपका कम्यूट कर रहा है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ के एक्स पी एक्स, अरे ये तो निकाल लोगे यार, अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप पी एक्स स्क्वायर बाय टू एम एंड पी एक्स डायरेक्ट लिख सकते हो, वन बाय टू एम कॉन्स्टेंट है इसे बाहर ले लो, अंदर क्या बचा पी एक्स स्क्वायर एंड पी एक्स, कोई भी ऑपरेटर खुद के साथ या खुद की पावर के साथ कम्यूट करता है, यहाँ से रिजल्ट जीरो आ गया, तो डायरेक्ट ऑप्शन सी है। देखो ये लॉन्ग मेथड से कर रखे हैं, आप इस मेथड से भी ट्राई कर देखना, आपको जो मेथड सही लगे आप उसे कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन हमारा क्या है, गिवन टू हर्मिशियन ऑपरेटर ए एंड बी, यहाँ पर आपको क्या रखा है कि ऑपरेटर ए और बी आपके हर्मिशियन है, यानी कि अगर आप ए के ऊपर ड्रैगर लगाते हो तो ए मिलता है, बी के ऊपर ड्रैगर लगाओगे तो बी मिलेगा। वी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग फोर ऑपरेटर, ये ए एंड बी लेके आप ये चार ऑपरेटर कंस्ट्रक्ट करे हैं, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, क्या ये सारे हर्मिशियन है, ये सारे एंटी हर्मिशियन है, इनमें से कोई एक हर्मिशियन है, कोई दो है या फिर कोई तीन है। चलो चेक करते हैं, फर्स्ट हमें चेक करना है किसके लिए, ए बी के लिए। देखो ए बी के ऊपर जैसे ही ड्रैगर लगाते हो तो क्या लिखोगे इसे बी ड्रैगर ए ड्रैगर, बी ड्रैगर की वैल्यू बी, ए ड्रैगर की ए, तो बी ए आपका क्या आ गया नॉट हर्मिशियन। क्यों नॉट हर्मिशियन, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना कि एक्स पी एक्स वाला, वहां पर हमने बताया था
कोई भी दो हरमिशन ऑपरेटर का प्रोडक्ट तभी हरमिशन होगा अगर वो क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये भी कम्यूट करते हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या लिखेंगे, नॉट हरमिशन। नेक्स्ट है ए बी ए का ड्रैगर, तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है ए बी सी के ड्रैगर की, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सी ड्रैगर, बी ड्रैगर एंड ए ड्रैगर। यहाँ पर दोनों साइड है, किसे भी लिख दो पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए ड्रैगर बी ड्रैगर, ए ड्रैगर, ए ड्रैगर की वैल्यू ए, बी ड्रैगर की बी एंड ए ड्रैगर की ए। तो आप लेकर चले थे ए बी ए, लास्ट में भी यही मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हरमिशन। नेक्स्ट है आयोटा ए ड्रैगर ए बी का ओवरऑल ड्रैगर। आयोटा आपका कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का कॉन्जुगेट ले लो एंड ये आपका कॉम्यूट ऑफ ए एंड बी ए से कैसे खोलोगे, ए बी माइनस बी ए का ड्रैगर। अब इसे अगेन इसके ऊपर आप प्रॉपर्टी लगाओगे ए बी का ड्रैगर एंड बी ए का ड्रैगर। ए बी का ड्रैगर अभी आपने सॉल्व किया, अगेन बी ड्रैगर ए ड्रैगर माइनस ऑफ ए ड्रैगर बी ड्रैगर, कॉन्जुगेट का आपका माइनस साइन बाहर आ जाएगा। बी ड्रैगर को बी लिख दो, ए ड्रैगर को ए लिख दो, यहाँ पर सेम अगेन ए को ए ड्रैगर को ए एंड बी ड्रैगर को बी। अब बी ए माइनस ए बी ए, यहाँ से आप माइनस बाहर ले लो, माइनस साइन जैसे ही बाहर लोगे अंदर क्या बन गया, ए बी माइनस बी ए। ए बी माइनस बी ए को आप क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, आयोटा कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी। तो ये आपका क्या हो गया, हरमिशन हो गया। हम स्टार्टिंग में भी यही लेकर चले थे, एंड में भी हमें यही मिल रहा है, तो ये हरमिशन हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं ए स्क्वायर बी के ऊपर, जब आप ड्रैगर लगाओगे तो पहले इसे खोलो, ए ए बी ड्रैगर, इसे लिखोगे कैसे, बी ड्रैगर ए ड्रैगर एंड ए ड्रैगर, बी ड्रैगर का बी, ए ड्रैगर का ए एंड अगेन ए ड्रैगर का ए। तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, बी ए ए, तो ये हमारा हरमिशन नहीं होगा। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, दो स्टेटमेंट आपकी हरमिशन आ रही है। 14th क्वेश्चन देखते हैं, 14th के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑपरेटर आपका हरमिशन है एंड कौन सा ऑपरेटर हरमिशन नहीं है। फर्स्ट है h by 2 pi iota and d by dx, जब इस पर ड्रैगर लगाओगे तो h by 2 pi iota कॉन्स्टेंट है, इसका कॉन्जुकेट कर दो एंड d by dx का ड्रैगर, आपको अच्छे से पता है d by dx के ड्रैगर की वैल्यू क्या होती है, माइनस d by dx, कॉन्जुकेट लगाया तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिली, h by 2 pi iota d by dx, तो ये हमारा क्या हो गया, परमिशन हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, जब आयोटा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर के ऊपर आप ड्रैगर लगाओगे, आयोटा कॉन्स्टेंट है, इसका क्या ले लो, कॉन्जुगेट ले लो एंड डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर का ड्रैगर। अगेन इसे आप पहले खोलेंगे ऐसे, डी बाय डी एक्स एंड कोमा डी बाय डी एक्स का ड्रैगर। अब पहले आपको डी बाय डी एक्स का ड्रैगर लेना है, देन इस डी बाय डी एक्स का ड्रैगर। अभी आपने पढ़ा था कि डी बाय डी एक्स का ड्रैगर क्या होता है, माइनस डी बाय डी एक्स, यहाँ से भी क्या आया, माइनस डी बाय डी एक्स, कॉन्जुगेट का आपका माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, माइनस आयोटा। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, बाहर ये माइनस, आपको ओवरऑल वैल्यू मिल रही है माइनस आयोटा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये तो आपको नेगेटिव साइन बाहर मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो ये तो आपका एंटी हरमिशन हो गया। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर के ऊपर ड्रैगर लगाना है। अगेन अभी तो इतना कर लिया, ये तो कर ही लोगे, देखो डी बाय डी एक्स एंड डी बाय डी एक्स के ऊपर ड्रैगर लगाओ, इस डी बाय डी एक्स का ड्रैगर, इस डी बाय डी एक्स का ड्रैगर, क्या होता है, माइनस डी बाय डी एक्स, माइनस डी बाय डी एक्स, ओवरऑल मल्टीप्लाई होके डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, परमिशन हो गया। एक्स स्क्वायर के ऊपर ड्रैगर लगाओगे तो पहले एक्स का ड्रैगर इंटू एक्स का ड्रैगर, ये आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, तो ये भी हरमिशन हो गया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, क्योंकि आपसे पूछा था कि कौन सा हरमिशन ऑपरेटर नहीं है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 है, देखो भाई इसको, इसके अंदर आपको ना तो देखने हैं इसके क्या ऑप्शन दिए गए, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट आंसर दो, डी बाय डी एक्स का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस डी बाय डी एक्स हो गया। तो इसी के साथ आपकी फर्स्ट डीपीपी कंप्लीट होती है, आई होप आपको समझ आई होगी। मैं अगेन कह रही हूँ, अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उन्हें पहले देख कर आए एंड देन इस वीडियो को देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना एंड कॉमेंट करना भी नहीं भूलना। एट दी एंड बस एक ही बात कहूंगी, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली खुश रहें।